सुनाई दे रही है? हमारा सिंहासन क्यों कांप उठा? क्या कोई अपशकुन घटित होने वाला है? नहीं देवी, ये तो शुभ शकुन है जिस अद्भुत घटना की देवलोक को और स्वयं मुझको प्रतीक्षा थी, आज वो शुभ घड़ी आ ही गई। मैं समझ नहीं पाई, कृपया स्पष्ट करें स्वामी। देवी शची, आपको स्मरण होगा मैं प्रायः पृथ्वी लोक के एक तपस्वी की सेवा सहायता के लिए जाया करता था। आज उसी महातपस्वी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान को जागृत करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सभी देवी देवता उस महातपस्वी के दर्शनार्थ पृथ्वी लोक को जा रहे हैं। किंतु देवराज, उस महाज्ञानी का नाम क्या है? देवी शची, उस महाज्ञानी का नाम है वर्धमान महावीर। हे दृष्टिकपाल देवताओं, आइए हम भी पृथ्वी लोक चलकर उस महातपस्वी के दर्शन करें। देवी शची, आप हमारे पुनरागमन की प्रतीक्षा करें। जैसी आज्ञा स्वामी। प्रणाम महावीर। प्रणाम देवराज। प्रभो, आपको इस केवल ज्ञान की प्राप्ति पर हम देवताओं की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार हो। हे प्रभु महावीर, तक ऋषिबालुका नदी का पावन तट पूजनीय और स्मरणीय बना रहेगा। प्रभो, हम सभी देवताओं की इच्छा है कि आप हमें उपदेश रूपी देशना का अमृत पान कराएं। अवश्य देवराज। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो अरियाणम्, नमो भज्जायणम्। ओम नमो लोए सब साहुणम्। हे प्रभो, धर्म देशना पाकर हम कृतार्थ हुए। प्रभो, अब आपकी क्या योजना है? हे देवराज, आपके विशेष आग्रह पर मैंने अपना प्रथम धर्मदेशना आप देवताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। वस्तुतः इस धर्मदेशना के पात्र तो मानव समुदाय हैं, अतः मैं मानव समुदाय को उपदेश देकर उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं मध्यम पाश जाकर इंद्रभूति गौतम को अनर्थ करने से रोकना चाहता हूं। धन्य है प्रभु। हे प्रभु महावीर, यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो हम सहर्ष आपकी सेवा करके स्वयं को बड़भागी समझेंगे। नहीं देवराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवराज। प्रणाम महावीर।